पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मशहूर शायर और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इमरान प्रतापगढ़ी के विरुद्ध शहर के गलशहीद थाने में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज है। इस मामले में उन्हें न्यायालय ने पहले जमानती वारंट जारी किए थे, मगर लगातार न्यायालय की अवहेलना करने पर अब उनके विरुद्ध NBW जारी किए गए हैं। अब इस मामले में 20 जनवरी को सुनवाई होगी। बता दें कि 2019 में शायर इमरान प्रतापगढ़ी मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। गलशहीद थाने में इमरान प्रतापगढ़ी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आचार संहिता के उल्लंघन, पुलिस कार्य में बाधा उत्पन्न करने, निर्धारित समय समाप्त होने के बाद भी जुलूस निकालने के आरोप लगे थे। ये 2019 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में प्रचार का समय जब समाप्त हो गया था, उसके बावजूद भी इनके द्वारा चुनाव प्रचार करा जा रहा था। रैली ग्रुप में काफ़ी सब निकाली जा रहा था जुलूस टाइप से, उसमें पुलिस द्वारा जब देखा गया तो उन्होंने इनको रोका, कि उनके रोकने पर भी नहीं माने और जुलूस उन्होंने निकाला और चुनाव प्रचार भी करा, जिसके अंतर्गत इन्हें कई धाराओं में पंजीकृत कर दिया, इनके खिलाफ़ मुकदमा पंजीकृत करा गया। उस मुकदमे में कई लोगों ने जमानतें करा ली थी, ये 3 जने गैर हाजिर चल रहे थे उसमें। विगत न्यायालय ने कई तिथि से इनके खिलाफ BW जारी कर रखे थे। अब न्यायालय में बार बार उपस्थित न आने पर उनके खिलाफ कल NBW जारी किया गया। अच्छा, कौन से थाने का मुकदमा था और क्या धाराएं इसमें रहेंगी? इनका गलशहीद का था मुकदमा, धारा 147, 48, 353, 188, 171 एच के अंदर। अच्छा, तो एट प्रेजेंट जो अपडेट है वो इसमें कौन से वारंट हुए इनके? इनके NBW हुए हैं, नॉन अवेलेबल वारंट। ठीक है, 30 तारीख से अग्रिम तिथि नियत की गई। ठीक है सर। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।